वहीं शनिवार को निगम महापौर और आयुक्त ने घड़ी चौक स्थित 7 अजूबे स्मारक का निरीक्षण कर सौंदर्यीकरण की कार्य योजना बनाई थी, जो रविवार से शुरू कर दी गई। भिलाई के वे स्मारक जो कभी भिलाई की पहचान माने जाते थे, वह इस समय अपनी बदहाली की कहानी कर रहे हैं, जिसे देखते हुए निगम प्रशासन ने इसके सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। शनिवार को अंतिम निरीक्षण घड़ी चौक सुपेला स्थित 7 अजूबे स्मारक का किया गया था और बगैर समय गवाए रविवार से इसके सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ भी कर दिया गया है और अब धीरे धीरे भिलाई के सभी स्मारकों का सौंदर्यीकरण कार्य किया जाएगा। इसकी जानकारी निगम महापौर नीरज पाल ने मीडिया को उपलब्ध कराई है। देखिए, काम जो होने हैं शहर के विकास को लेकर, जो काम होने हैं उसमें किसी भी तरह की कोई देरी नहीं है। हम लोगों ने 2-3 दिन पहले जो सुपेला चौक के ऊपर 7 वंडर्स, जो 7 अजूबे जो बने हैं, उसको लेके कुछ उसका सौंदर्यीकरण का काम था जो काफ़ी दिनों से लंबित था, उसको हम लोगों ने कल प्रारंभ किया है और तेज़ गति से चल रहा है। आने वाले हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर वो पूर्ण भी हो जाएगा। भिलाई शहर में स्थित भिलाई की पहचान माने जाने वाले सभी स्मारकों का जीर्णोद्धार निगम महापौर नीरज पाल और निगमायुक्त रोहित व्यास की दूरदर्शिता की वजह से संभव हो पाया है और बहुत जल्द यह सभी स्मारक एक बार पुनः भिलाई की शान में 4 चांद लगाते नजर आएंगे। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।